नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। मैं हूं आपके सामने वेद मिश्रा। दिस इज़ अ क्लास फॉर द टैली स्टूडेंट एंड अकाउंट स्टूडेंट। आज का जो क्लास है हमारा और उसका टॉपिक जो है रिटेल स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक है टैली, कि टैली होता क्या है। सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए हमें कि टैली होता क्या है। तो आज हम समझेंगे टैली होता क्या है, कि टैली क्या है। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, डेली बेस पर हम कई सारे एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उन एक्सचेंज को कौन रिकॉर्ड करेगा? हिसाब किताब करना को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं सर। तो टैली क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल का मतलब पैसा, रिकॉर्डिंग का मतलब ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। यानी पैसे के लेन देन का हिसाब किताब करने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम से करने वाले को क्या कहेंगे, टैली। यानी कि पैसे का हिसाब किताब जब हम कंप्यूटराइज वे में करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टैली कहते हैं। अब पहली बात हमें समझ में आई कि टैली होता क्या है। अब बात ये आती है सर कि टैली फुल फॉर्म क्या है सर, तो टैली फुल फॉर्म है टी से ट्रांजेक्शन, टी से ट्रांजेक्शन, ए से अलाउड, एल से लीनियर, एल से लाइन, वाई से यार्ड। तो ये रही टैली की फुल फॉर्म। इस फुल फॉर्म का मतलब भी तो होगा कुछ सर, तो मतलब क्या है, तो उसके ऊपर मैं बात बताता हूँ। तो देखिए, टी से क्या है, ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन, यानी टैली में क्या किया जाता है, लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए क्या है, ट्रांजेक्शन है। ए से क्या है, अलाउड, उन ट्रांजेक्शन को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा सर, इसलिए क्या किया जाता है, अलाउड। एल से लीनियर, लीनियर मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर। अगर हम किसी काम को रहे सिस्टमैटिक, पहले हम टैली में क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाएंगे, स्टॉक आइटम, फिर क्या बनाएंगे, इन्वेंटरी वाउचर, उसके बाद फिर क्या गया, वाउचर, उसके बाद फिर जीएसटी, ये क्या होगा, सिस्टमैटिक। उसके बाद फिर एक लाइन से, यानी उस काम को करते करते क्या करना है, हमें क्या बनाना है, एक सिस्टमैटिक वर्क के साथ साथ एक लाइन में काम करना है। यानी हम एक काम को आगे पीछे नहीं कर सकते कि पहले अकाउंटिंग वाउचर कर लें या बाद में लेजर, तो वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम हर चीज़ को, खाते को मेंटेन भी करना है। तो उसके ऊपर यार्ड का मतलब चाहे जितनी भी लेन देन हो उसको हम डिटेल में एक सिस्टमेटिकल शॉर्ट में अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी डिटेल में चाहे जितनी भी लेन देन हो उसको डिटेल में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसकी ये रही आपकी टैली की डेफिनेशन। अब एक समझ में आती है ईआरपी। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर वो भी है कौन, टैली। तो उसका क्या है, एक वर्जन है, क्या है, वर्जन है। तो उसका वर्जन क्या है, 9। टैली का वर्जन क्या है, ईआरपी 9। अभी सर ईआरपी क्या है, तो ईआरपी को हम समझते हैं। ईआरपी की फुल फॉर्म होती है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान, ई से इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया, इंटरप्राइज का मतलब कोई कंपनी, कोई फाउंडेशन, कोई इंस्टीट्यूट, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरप्राइज, ठीक है। रिसोर्स यानी उसको कैसे डिपार्टमेंट्स होंगे, यानी उसको चलाने वाले कैसे विभाग होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे सेल्स, परचेज, फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन, ये सारे क्या है, डिपार्टमेंट्स है, सोर्स ऑफ है, क्या है, सोर्स है चलाने के लिए। तो इन सबकी लेन देन भी तो होंगी, होंगी नहीं होंगी। उसके बाद फिर क्या है, प्लानिंग। जैसे जैसे आप कल आप देखते होंगे कि पहले जमाने में बहुत कम कंपनियां हुआ करती थी, आखिर कंपनियां बढ़ रही हैं, तो लेन देन भी तो बढ़ेंगे। लेन देन बढ़ेंगे तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो क्या होगा, वर्जन भी तो इंक्रीज होगा। तो सबकी क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो पीछे क्या की जाएगी, प्लानिंग उन लेन देन की। तो ईआरपी का मतलब हो गया जितने भी इंटरप्राइज हैं उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो लेन देन है, उनकी प्लानिंग कौन करने वाला कौन है, ईआरपी। तो टैली ईआरपी इस समय करंट का वर्जन चल रहा है, और अगस्त 2020 में टैली ईआरपी 9.2 आ जाएगा। अभी तो बात रही सर क्लियर। अब बात आती सर हिस्ट्री ऑफ टैली। ये हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, इतिहास क्या है सर, टैली किसने बनाया। टैली बनाने वाले का नाम क्या था आपका, था भरत गोयनका और श्याम सुंदर गोयनका। भरत गोयनका और श्याम सुंदर गोयनका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1986 को 1996 को क्या हुआ, बेंगलोर के अंदर एक दो पर्सन थे भरत गोयनका और श्याम सुंदर गोयनका। भरत गोयनका जो थे बेटे थे किसके, श्याम सुंदर गोयनका के। और उन लोगों ने क्या किया, आपने उन लोगों ने क्या किया, टैली का सॉफ्टवेयर बनाया 1986 को, और उसका नाम क्या रखा, पेट्रोनिक्स। क्या लिखा, पेट्रोनिक्स पहली कंपनी का नाम है टैली का। और बाद में उसका नाम दो साल के बाद बदल के क्या कर दिया गया, 1998 को टैली की जो कंपनी थी पेट्रोनिक्स, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, किसका, टैली का कंपनी का नाम। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। अब दोस्तों एक सवाल आता है, अधिकतर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि श्याम सुंदर गोयनका, भरत गोयनका में से कौन जिंदा है, ये रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्याम सुंदर गोयनका इस समय लेट हो चुके हैं, यानी कि वो एक्सपायर हो चुके हैं 2000 के आसपास में। और जो भरत गोयनका है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के क्या हैं, CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है करंट में, इस समय भी। आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये रही आपका आपका हिस्ट्री ऑफ टैली। ये तो आपका कहाँ पर कंपनी आपकी बनी है, कैसे क्या है।
और टैली की डेफिनेशन बता दी और टैली क्या होता है ये बता दिया। ऐसे ही कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कई सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे बीजी हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, SAP हो गया, MX हो गया, मैक्स हो गया, इस तरह कई सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग पोर्शन में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन सब में से टैली सबसे ज़्यादा यूजमेंट किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल करेगी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है टैली की।